नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। यह है मॉडल क्वेश्चन सेट जो कि 10वीं के लेवल का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ताल कहरवा में कितनी मात्राएं होती हैं? सही ऑप्शन है 8। 6 मात्रा जो होगी वो दादरा के लिए होगी, 12 मात्रा एक ताल और चार ताल के लिए, 7 मात्रा रूपक और तेवरा के लिए। कथक नृत्य में बहुत महत्व है। कथक नृत्य में इन चारों में से किसका महत्व है? तो वैसे तो महत्व सबका है, भाव का, गायन का, लेकिन ताल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झपताल में कितने विभाग होते हैं? तो झपताल में जो है वो 4 विभाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ताल में कितनी खाली होती हैं? 2 खाली होती है और 4 ताली होती है। ताल में सम के चिन्ह को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो ये जो चिन्ह है क्रॉस का, वही सम का चिन्ह है, और ये जो जीरो बना हुआ है वो खाली का चिन्ह है। यह चिन्ह विभाग में दिया जाता है, और यह जो चिन्ह है वो किसी भी पद या दोहा के दूसरी लाइन की समाप्ति पर ऐसे 2 लाइनें दे दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल के जिस मात्रा से गीत आरंभ होता है वह स्थान क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ग्रह। जिस टुकड़े से नर्तक अपना नृत्य प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य के गतों में हस्तक बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही ऑप्शन है पलटा। चलन चाल हो गया, मशक सांस लेने का तरीका, और कसक कलाई संचालन का, वो थाट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल कितने मात्रे का होता है? 3 ताल जो है वो 16 मात्रे का होता है। 8 मात्रा कहरवा, 10 मात्रा झपताल, 4 के लिए कोई मात्रा नहीं होती। लय कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, लय कितने प्रकार के? तो लय 3 प्रकार के होते हैं। कथक का विकास डैश काल में ज्यादा हुआ, किस काल में ज्यादा हुआ? मुगल काल सही ऑप्शन होगा। कथक का विकास मुगल काल में ज्यादा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य में तालबद्ध बोलों के छोटे समूह को क्या कहते हैं? टुकड़ा कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है अगर आपको परिभाषा याद रहेगी तो बहुत आसानी से बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य के चाल को डैश कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा गत। दोनों हाथों के संयोग से जो स्थिति बनती है उसे डैश कहते हैं। तो दोनों हाथों से जोड़ने पे जो मुद्रा बनती है वो संयुक्त होती है, और संयुक्त में एक हाथ की मुद्रा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्थान से स्वाभाविक रूप से चलने को क्या कहते हैं? तो बी होगा इसका सही ऑप्शन, चलन कहते हैं। गत निकास का विकास डैश में अधिक हुआ, किस घराने में? यहाँ सेंस है कि किस घराने में अधिक हुआ, तो सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार ताल में डैश 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 पर ताली होती है, मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कितनी कितनी मात्राओं पर ताली होती है। तो संख्या 1 पर, 6 पर, 11 पर ताली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलामी को डैश भी कहते हैं, तो अहमद, वंदना, नमस्कार, ठाट, नमस्कार भी कहते हैं। उर्दू में सलामी कहा जाता है और हिंदी में नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य में समान गति को क्या कहते हैं? लय, एक समान गति को लय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव से डैश की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। भाव और रस एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। झपताल में डैश खाली होती है, मतलब कितनी खाली होती है? सही जवाब होगा 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मात्राओं के ताल को क्या कहते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एक ता। 3 ताल 16 मात्रा का, झपताल 10, रूपक 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परण डैश प्रकार का होता है,
इसका सही ऑप्शन है बी। वर्ण जो होता है दो प्रकार का होता है, प्रत्येक ताल की तत्कार उसकी डैश और डैश के अनुसार होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मात्रा और विभाग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परण में डैश अवश्य होती है, मतलब एक परण में क्या होती है, तिहाई जरूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कथा प्रधान है, किस में कथा प्रधान है? तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कथक में कथा प्रधान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली दर्शाने का चिन्ह, खाली दर्शाने का चिन्ह जीरो होता है, सम ये क्रॉस का चिन्ह ताली के लिए है, सम के लिए है, और ये दो और तीन ताली के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो कहरवा ताल में दो विभाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहरवा ताल में पहली मात्रा पर डैश और पांचवी पर डैश होती है, पहली मात्रा पे सम और दूसरी पे खाली होती है। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि किसी किसी विद्वानों के द्वारा दोनों में ताली ही होती है, और कुछ विद्वान इसे पहली मात्रा पे सम और पांचवी मात्रा पे खाली मानते हैं। तो अगर कई बार ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि पहली मात्रा पे सम और पांचवी मात्रा पर ताली, मतलब दूसरी ताली होती है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके दो मत है। जैसे रूपक ताल का क्वेश्चन कुछ बनता है ना, वैसे ही कहरवा ताल का भी। ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सम और खाली, क्योंकि ज्यादातर इसी की मान्यता है, सम और दूसरी ताली भी ऑप्शन में है, सो ये भी सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाद विक्षेप के दो प्रकार डैश और डैश, मतलब पैर के कितने प्रकार है? तो सही ऑप्शन है चारी और गतिचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य में हाथ पैर के संयुक्त चलन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के मुख्य दो प्रकार डैश और डैश होते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन है चलित और स्थिर। गति के दो प्रकार होते हैं, चलित और स्थिर। बोल के तीन प्रकार डैश डैश और डैश होते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नृत्यांगी, कवितांगी और तालांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से नृत्य आरंभ होता है और डैश से समाप्त होता है। सही ऑप्शन होगा अस्थानक से नृत्य आरंभ होता है और अस्थानक से समाप्त होता है।